एक बार प्रेम से ओम की ध्वनि समझ करके उच्चारित करें। यदि हम अपने वैदिक वाङ्मय पर थोड़ा सा विचार करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारा वैदिक वाङ्मय इतना अधिक समृद्धशाली है। हमारे पास ज्ञान का अथाह सागर है, हमारे पास शुद्ध ज्ञान का इतना बड़ा सागर है कि यदि उसकी कुछ बूंदें भी हम पर सही से गिर जाएं, पड़ जाएं, तो हमारे जीवन का ये जो स्वर्णिम अवसर हमें मिला है ये सार्थक हो जाएगा। लेकिन यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त करते करते हम हमेशा हर जन्म में चूक जाते हैं। ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले तक, महाभारत के समय तक, ब्रह्म विद्या, ज्ञान विद्या, वैदिक विद्या को प्राप्त करने की जो रीति थी उसमें गुरु प्रधान हुआ करते थे, आचार्य प्रधान हुआ करते थे, शिष्य कौन हुआ करते थे। वर्तमान समय में परिपाटी कुछ उल्टी ऐसी चली, आज शिष्य प्रधान है, गुरु गौण है। आज छात्र को डांट नहीं सकते, विद्यार्थी को कुछ भी आप समझाने के लिए ऊंचे स्वर से बात नहीं कर सकते, उसको तप की ओर तनिक भी नहीं मोड़ सकते, थोड़ा सा भी उसको आप पनिश नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी आप उसको बोलेंगे तो उसकी भावनाएं, कोमल भावनाएं इतनी ज्यादा आहत हो जाएंगी कि वह शिक्षा से भी मुंह मोड़ सकता है, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ सकता है। लेकिन एक समय ऐसा था जब आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व गुरु के चरणों में बैठ करके विद्यार्थी छात्र शिक्षा लिया करते थे। ये भारत वर्ष का सबसे बड़ा कहें कि स्वर्णिम दिवस थे,
सबसे अच्छे दिन जो थे, सबसे उत्तम दिन जो दिन थे वो थे। उस समय बहुत सारे शिष्यों की आवश्यकता भी नहीं होती थी, एक गुरु और एक शिष्य भी काफी रहता था संसार को प्रकाशित करने के लिए, ज्ञान से आलोकित करने के लिए। बहुत सारे विद्यालय तब भी थे, विश्वविद्यालय तब भी थे, लेकिन आप देखें एक द्रोणाचार्य काफी थे, एक अर्जुन बस। इस शिक्षा पद्धति को कहते थे चरण, गुरु के चरण में बैठ करके शिक्षा को प्राप्त करना। ये पद्धति कुछ और आगे बढ़ी, लगभग 4000 वर्ष पहले, 5 से 1000 वर्ष तक पहले वेद विद्या का, वैदिक वाङ्मय का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना परिषद के रूप में चला। उसमें क्या होता था, जैसे आप उपनिषद पढ़ते हैं, उपनिषदों के अंदर जैसे आता है कि अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, जो बहुत धनवान लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बढ़िया मकान बना लिया, अच्छे खाने पीने की व्यवस्था कर ली, गाड़ी हो गई, सब हो गया। अब इसके बाद क्या, क्या बस इस यही एक प्रयोजन है जीवन का कि खूब संपत्ति भी जोड़ ली जाए, खूब बढ़िया बिल्डिंगें भी बना ली जाए, खूब बढ़िया अपना उत्थान भी कर लिया जाए, और बस ऐसे करते करते, क्योंकि ये भौतिकवाद है, कितना भी करते जाओ अंत नहीं आएगा। तो उस समय के ऋषियों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने आपस में निर्णय लिया कि भाई एक बात बताओ, क्या इस भौतिकवाद से ऊपर, इस प्रकृतिवाद से ऊपर, इस निर्मितिवाद से ऊपर क्या कोई और विद्या भी है, क्या कुछ और भी जानने की आवश्यकता है। तो उस समय जो उपनिषद पढ़ते हैं वो समझेंगे, प्रश्नोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में, मांडुक्योपनिषद में ऋषियों ने आपस में परिषद की, बैठक की, मीटिंग की, और मीटिंग में जिस जो गुरु हमें, जो आचार्य हमें वेद विद्या का, ब्रह्म विद्या का, ईश्वर की विद्या का ठीक ठीक यथावत बोध करा दे, चलो मिल करके उसके पास चलते हैं, और वहां जाकर के, उसके पास जाकर के हम उस विद्या को प्राप्त करते हैं, ऐसा अनुसंधान किया करते थे। आज हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग तो आज भी होती है, ऐसा नहीं हम मीटिंग करना भूल गए, मीटिंग आज भी होती है, लेकिन आजकल मीटिंग ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, ब्रह्म विद्या कैसे मिले, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए मीटिंग नहीं होगी हमारी, और दुनिया की सारी चर्चाओं की मीटिंग हो जाएगी, धन की, रुपए की, पैसे की, भवन की, व्यवस्थाओं की, छोटी से छोटी बात को लेकर के बड़ी से बड़ी आवश्यकताओं तक की बात होगी, खाने की, पीने की, सोने की, जागने की, लेकिन जो मुख्य तत्व है, जो मुख्य प्रयोजन है, उस मुख्य प्रयोजन की मीटिंग कोई नहीं करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खड़े तो हैं हम बहुत अच्छी जगह, प्लेटफॉर्म तो हमें मिल गया, लेकिन ट्रेन में बैठना हमें नहीं सीखा। हम प्लेटफॉर्म तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बाद हम वहीं बैठे रहते हैं और वापस घर लौट आते हैं। इसलिए परिषद की व्यवस्था को समझें, ऋषियों की व्यवस्था को समझें। और समय बीतता है, कुछ ऋषियों ने यह देखा कि मानव जाति जो है प्रकृतिवाद में तो चलो रहेगी, लेकिन इनको शॉर्ट में समझने की भी कुछ आवश्यकता होगी, क्योंकि जब वैदिक काल था तो वैदिक काल में तो
हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हुआ करती थी कि हम बुद्धि को एकदम से ठीक डायरेक्शन में भेज देते थे और जो विद्या की प्राप्ति के सोपान थे उन सोपानों को तुरंत प्राप्त कर लेते थे, वन बाय वन स्टेप हम प्राप्त करते रहते थे। वेद मंत्र का संबंध सीधा था हमसे उस समय। आज हमें अर्थ को बोलने की या गाने की या समझने की आवश्यकता होती है। पहले आवश्यकता सिर्फ इतनी ही थी कि हमने वेद मंत्र बोला, यश चकार शशाक कर्तुम कर्तुम पाद मंगुरिम चकार भद्रम अस्मभ्यम आत्मानं तपनं तुसः। वेद मंत्र बोला और इसका मतलब तुरंत समझ में आ जाता था कि जिसने यश चकार शशाक जिसने यथा योग्य कर्म जब जब करना चाहिए उस समय कर लिया, जीवन के अवसर का लाभ उठा लिया, उस व्यक्ति ने अपने भविष्य को सुधार लिया, और जिसने ऐसा नहीं किया उसने हाथ पांव की उंगलियां काट ली हैं, उसने अपना भविष्य समाप्त कर लिया। अब हमें भविष्य की चीज में दिखाई देता है, हमें भविष्य पैसा कमाने में दिखाई देता है, बस इससे ज्यादा भविष्य नहीं मानते, इससे ज्यादा करियर हमें कुछ समझ में नहीं आता। भाई लाख लाख दो लाख पांच लाख की इनकम जो है हर मंथ की हो जाए, बस इससे बड़ी कुछ नहीं, फिर अपना खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और कुछ नहीं हमें चाहिए, बस ये उद्देश्य है। इसे करियर बनाना नहीं कहते, करियर भीतर से बनता है, अंतःकरण से करियर बनता है असल में, लेकिन भीतर से अंतःकरण से करियर कैसे बने। आज हम एक छोटी सी बात कोई हमारे बारे में कह दे तो हम पूरे विचलित हो जाते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन करने को सत्याग्रह करने को तैयार हो जाते हैं, तुरंत इतने तनाव में आ जाते हैं। अगर कोई हमारे खिलाफ आज कोई जरा सी बात कर दे कि हमारा रात की नींद उड़ जाती है, 100 लोगों को फोन करते हैं कि उसने मुझे ये बात कह दी, हमारे मन की चक्की इतनी तेज चलने लग जाती है कि उसमें जो कुछ भी कंकड़ पत्थर कोई डाल देता है वो पीसने लग जाते हैं और फिर दूसरी दुनिया को उसके बारे में जानकारी देते हैं, फलाने फलाने ने ऐसा कह दिया। लेकिन ऋषियों ने देखा कि ये मानव जाति इस तरह से पिस पिस करके दुखों के सागर में मर जाएगी, इसको इस दुख से बचाने का कोई उपाय करते हैं, और उस उपाय को कहा गया दर्शन। उस उपाय का नाम रखा गया जो हमारे 6 दर्शन हैं, योग सांख्य वैशेषिक सांख्य और आपके न्याय दर्शन, ये जितने भी दर्शन है हमारे, इन दर्शनों में सूत्र रूप में बहुत छोटे सूत्रों के रूप में ऋषियों ने अपनी पद्धति दी जिससे कि हम लोग आत्मविद्या के अधिकारी बन सके, भीतर जा सके। हमने कहा आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। देखो ना अर्थ में आया ना महर्षि ज्ञान के ये आत्मदा बल का, आत्मा और अंतःकरण। अब आत्मा का तो कुछ पता पता है ही नहीं, आत्मा कहां है भी या नहीं है। हम वहीं खड़े हैं जहां आज से 5000 साल पहले खड़े थे, हमें आत्मा के बारे में जानने की कोई इच्छा ही नहीं है। आत्मा को या तो कोई कल्पना का वो मानते हैं स्वरूप, कोई कल्पना है नहीं। अगर सिलेबस के अंदर पाठ्यक्रम जो हमारा है, आपने पहली दूसरी तीसरी पांचवी चौथी क्लासें सब पढ़ी है ना, हमारा एक समय वैदिक समय ऐसा था कि जब वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाई जाती थी उसी समय आत्मा के संबंध में विद्यार्थी को ज्ञान दे दिया जाता था। पतंजलि महर्षि ने महाभाष्य में लिखा, लिखते हैं अक्षरम नक्षरम विद्या दशनोतेर्वासरोक्षरम वर्णवाहुं पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। एक शिष्य पूछता है अपने गुरुजी से कि गुरुजी एक बात बताओ, अक्षरम ये जो अक्षर है, अक्षर किसे कहते हैं, शर और अक्षर, जो अक्षर है वह नाशवान है, जो अक्षर है वह अविनश्वर है, ये दो पदार्थ हैं संसार में। तो हमने सुना है जो शब्द होता है ये भी अक्षर होता है, नष्ट नहीं होता। तो आप मुझे ये बताइए कि वर्ण ज्ञान किस लिए
लिए उपदेश किया जाता है। वर्ण ज्ञान का उपदेश किस लिए प्राप्त करूं मैं? तो गुरु जी कहते हैं वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघुवर्थम चोपक दिश्यते। कितनी ऊंची बात कहते हैं वर्ण ज्ञान, शब्दों का, वर्ण का, अक्षर का ज्ञान करना इसलिए आवश्यक है, इसी से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यत्र च ब्रह्म वर्तते, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान होना परम आवश्यक है। तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम, उस इष्ट को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि को समेटो, फैलाओ मत। हम अपनी वृत्तियों को, अपनी इच्छाओं को आज फैला रहे हैं। बस जो कोई आता है हमारी वृत्तियों को फैला देता है, बिखेर देता है। हम फिर से बुद्धि, अपनी बुद्धि को समेटने की कोशिश करते हैं, भक्ति में लगाना चाहते हैं, उपासना में लगाना चाहते हैं, यज्ञ में लगाना चाहते हैं, लेकिन किसी का एक फोन आ जाए तो हम अपना सत्संग में जाना कैंसिल कर देंगे, संध्या करनी कैंसिल कर देंगे, एक फोन आ जाए बस सब बंद कर देंगे। उसके बाद कौन आ गया, बाद में देखेंगे। और हम कहते क्या हैं, प्रजापते हे ईश्वर, तुझसे बढ़कर मेरे लिए संसार में कोई दूसरा नहीं है। ये उद्देश्य हुआ करता था वर्णोच्चारण का। और कैसे वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, किसी ने पूछा कि वर्णोच्चारण का कैसे किया जाता है, तो कितना अच्छा था, आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान मनः युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्नि माहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसि चरणवन्दं जनयति स्वरम। स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है यही जान ले तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं स्वर, स्वर किसे कहते हैं आप जानते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों चीजें जानते हैं, स्वर व्यंजन है ना। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, 10 स्वर हैं संस्कृत में और 53 जो हैं व्यंजन है। और आप देखिए कहते हैं आत्मा बुद्धया समेत्यर्थान, हम जो बोलते हैं ना ऐसे ही बोल देते हैं, उस बोलने के पीछे बहुत बड़ी साइंस छिपी होती है, ठीक है ना, बहुत बड़ी साइंस छिपी होती है बोलने के पीछे। क्या आत्मा बुद्धिपूर्वक समेत्यर्थान, अर्थों को समेटता है, आत्मा अर्थों को समेटता है। मनः युङ्क्ते विवक्षया, और कुछ कहने की इच्छा से, विवक्षा से, इच्छा से मन को बुद्धि के साथ मिलाता है कि मैं इन शब्दों को बोलना चाहता हूं, इन बातों को बोलना चाहता हूं। मनः कायाग्नि माहन्ति, और मन जाता है, और काय कहते हैं उदर को, पेट को, स्टमक को, मन यहां पर जाकर के नाभि प्रदेश में जो वायु है इस वायु के ऊपर प्रहार करता है। उस वायु तस तुरसी, वायु जो है फिर वहां से, तुरसी कहते हैं हृदय को, उर माने हृदय है ना, हृदय के पास से होती हुई वह वायु चरण मंदम जनयति स्वरम, यहां से निकलती हुई वाणी के रूप में प्रकट हो जाती है। ये वाणी का विज्ञान, ये पद्धति हमारी आत्मज्ञान की पद्धति बहुत पुरानी थी। और अक्षरों का प्रयोग कैसे करें, चलो बोलना तो आ गया, बच्चे को तुतलाती हुई जुबान में हम सिखला देते हैं, बच्चे को बोलना तो आ गया, अभी उस बच्चे ने देखो आर्य समाज के नियम बोले तो बोलना तो आ गया, लेकिन बोले कैसे, बोलना ही नहीं सीखते। कभी बहुत ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, कभी चिंतातुर होकर बोलेंगे, तनावग्रस्त होकर बोलेंगे, कड़वा वचन बोलेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे कि स्वयं भी दुखी रहेंगे और दूसरा भी दुखी रहे। इसको बोलने को सार्थकता नहीं कहते बोलने की। बोलना कैसे सीखना चाहिए ये आप वर्णोच्चारण शिक्षा में जाकर पढ़िए। माधुर्य मक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लये सम
समर्थम च षडेते पाठका गुणाः। महर्षि कहते हैं माधुर्य शब्दों के अंदर मधुरता हो, आप जब बोलें तो आपको भी लगे कि आप बहुत अच्छा बोले हैं, आप जब बोले तो दूसरे को भी प्रिय लगे। आप में सिर्फ बोलना नहीं है, उसमें शहद की तरह बोलना है। जब विवाह संस्कार होता है ना, तीन चार मंत्र बीच में आते हैं पति पत्नी के बीच में, कैसे बोले आपस में, वहां पे आता है माधवीर गावो भवंतुनः मधुमन में कर्मणम, ऐसे भी मंत्र आते हैं। मधुमन में कर्मणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमत भूयासं मधुसंदृशम, कि मैं जब घर से बाहर निकलूं तो ध्यान करके निकलूं कि मैं सबके साथ मधुर व्यवहार करूंगा, कटु व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगा। घर में जब वापस लौट करके आऊंगा बाहर से, तब भी अपने परिवार के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा, किसी के साथ कड़वा नहीं बोलूंगा, क्योंकि बाहर तो हम सबके साथ अच्छा बोलते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता। और घर में हमारी शैली एकदम से चेंज हो जाती है। घर पहुंचते पति पत्नी से ऐसा बोलता है, पत्नी पति से ऐसा बोलेगी कि जैसे कि क्या बाहर का कौन सा ये प्रोजेक्ट ऐसा पड़ा कोई पूरा करके आए हो, ऐसा कर घर में आते ही ऐसा दंदना देंगे, बच्चों पर अलग चिल्लाएंगे, घर में तनाव पैदा हो जाएगा। और बच्चा जो कुछ देखता है, ठीक है जी, 14 इयर्स तक बच्चा सीखता है, बच्चा जो कुछ देखता है माता पिता को देखता है कि मेरे माता पिता को ऐसे लड़ते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे बोलते हैं, बच्चा उसे तुरंत कैच कर लेता है, उसकी भावनाएं उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म है तुरंत पकड़ लेती है। और अगली बार को जब बच्चा गुस्सा आता है तो बच्चा सेम वही करता है। अगर मम्मी ने पापा के ऊपर बेलन फेंक कर मारा ना, तो बच्चा भी सीख जाता है कुछ मुझे भी फेंकना है, चाहे भले ही कुछ भी हो, किताब हो पेंसिल हो कुछ भी हो, वो भी फेंक कर जरूर मारेगा, पन्ने फाड़ देगा काफी को, कुछ भी रिएक्शन करेगा इस तरह। इसलिए बोले अच्छा बोले, व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु स्वस्वरः, पद को साथ साथ मिला करके अलग अलग स्वर के साथ बोले, एक स्वर में संवेद स्वर में बोले। ऐसा नहीं कि जैसे अगर मैं व्याख्यान दूं कुछ भी बोलूं उसके बोलने में तारतम्यता ना हो, बहुत गैप ले लेकर के बोलूंगा आपको नींद आने लग जाएगी, आप कहेंगे व्याख्यान तो बहुत अच्छा था, नहीं बहुत अच्छी आई पर कुछ भी हुआ हो जाए। तो तारतम्यता रहे, धैर्यम लय समर्थम च, और धैर्य पूर्वक लय पूर्वक बोलना ही सार्थकता को प्राप्त कराता है। आपने कहा वाचस्पतिर वाचम नह सदतु, हे ईश्वर में वाणी से मीठा बोलू, अरे भाई तो बोलकर दिखाओ ना, आपने यहां तो प्रार्थना कर ली, जब व्यवहार बाद में उतरे तब आप डूब गए कीचड़ लेकर के। वो बात याद आती है, एक रामकृष्ण परमहंस हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, दो मकोड़े थे, मकोड़े तो समझते ना आप लोग, दो मकोड़े थे, एक मकोड़ा जो था वो चींटा, चींटा समझ ले चींटा, एक चींटा जो था, दोनों दोस्त थे बहुत पक्के, एक रहता था चीनी के पहाड़ पर, कहीं चीनी की बहुत बड़ी मिल थी, चीनी का पहाड़ था, शुगर ही शुगर, मजा था उसका। दूसरा जो था चीता वो रहता था नमक के पहाड़ पर, सेंधा नमक जैसे होता है। अब क्या हुआ कि दोनों के अंदर इच्छा हुई, फोन मिलाया या क्या हुआ, तरंगे हुई दोनों ने, जब मिलते हैं भाई बहुत दिन हुए मिले हुए, ठीक है। अब ये जब चीता था चीनी वाला, ये जब नमक वाले चीते के पास गया अपने दोस्त के पास मिलने के लिए, तो उसने आओ भगत करी, उसने कहा देखो भाई देखो कितना अच्छा अच्छा तुम्हारे लिए सजा के रखा, वाइट वाइट कलर का है, पीलो खा के देखो। तो उसने जैसे ही वो देखा तो उसके मुंह में गया और बोला थू थू थू, अरे भाई तू कहाँ रह रहा है नरक में यार, इससे खराब कोई जगह नहीं हो सकती, छोड़ इस जगह को भाई मेरे साथ चल।
ये खाना है? अरे हमारा जन्म तो मिष्टान्न के लिए हुआ था। वो कहने लगा, भाई मुझे तो पता ही नहीं मिष्टान्न क्या होता है, मैं तो जिंदगी भर यही खाया है। अच्छा चल, तुझे मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ, मैंने विजिट कर लिया तेरे पास, अब तू भी मेरी तरफ चल। उसने कहा चलो, तो वो भी चल दिया। नमक वाला जो चींटा था वो भी साथ साथ चला। अब वो वहां पहुंचता है, अब वहां पहुंच करके उसने कहा देख, अब ये इसको चख, ये भी व्हाइट कलर का है, इसको थोड़ा सा टेस्ट कर। अब उसने उसको जैसे भी था काटने की कोशिश की, उसने कहा स्वाद तो नहीं है, स्वाद तो कुछ भी नहीं आ रहा है, वही स्वाद आ रहा है। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मीठा स्वाद आता है। उसने कहा नहीं वही स्वाद है। उसने कहा अच्छा तो एक काम कर, मुंह खोल अपना। उस चीटे ने मुंह खोला, वो वहां पर भी नमक की डली लेकर के आया हुआ था मुंह में, उसने वहां पर भी मुंह खोला। उसने कहा रहे जो मुंह में पहले नमक की डली है उसे तो गिरा भाई, तब तो इसका स्वाद आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा। उसने कहा अच्छा, तो उसने नमक की डली गिराई और फिर उसको चखा। उसने कहा हाँ ये तो टेस्ट बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। ऐसी ही बात है, यहां पर आकर के हम कहते हैं वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, वाचस्पतिर वाचम न स्वदतु, मीठा बोलो मीठा बोलो, अच्छा बोलो अच्छा बोलो, संगठित रहो, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बने, फलाने बने, दिमागे बने, और फिर नमक की डली तो मुंह में ही, वो तो गिराई नहीं हुई अभी तक। फिर जब बोलेंगे वो कहते तो बोले कैसे, बोला तो मीठा ही था। उसने कहा भाई ऐसे नहीं मीठा बोल रखता था, पहले वाले को भुलाओ। गुरु बिरजानंद जी ने यही तो कहा स्वामी दयानंद जी से कि भाई पहले जो तू पढ़ के आया है ना सारस्वत, दूसरे सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथ, ये सब पहले ये तो भुला करके आ, तब तो मैं तुझे अपनी चीज पढ़ाऊं। सिलेबस तो तभी पढ़ाया जाता है, पुरानी चीजें भुलानी पड़ती है, नई चीज तो तभी आती है दिमाग में जब पुरानी चीज को आप तिलांजलि देते हैं। पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुरानी जिंदगी, उसी को याद कर करके सारा भविष्य खराब कर लेते हैं हम लोग। आओ आगे बढ़े, समय चूंकि इतना ही था तो मैं इतना ही समय है ना, पौने 12 बज गए तो मैं चलो 5 मिनट का और अवकाश मिला मुझे, धन्यवाद। अब देखिए क्या है, हम कहें ओम तो ओम का अर्थ है सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने वाला, तो हमें सबकी रक्षा करने वाला होना चाहिए। इसी के लिए गुरुकुल आश्रम बने, इसी के लिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की कि इससे व्यक्ति अपनी भी रक्षा करे, व्यक्ति से लेकर के व्यक्ति जीवन से लेकर के समष्टि जीवन तक सबकी रक्षा हो। सार्वजनिक सार्वभौमिक सार्वजनिक रूप से सब एक दूसरे की उन्नति करें, इसके लिए महर्षि दयानंद जी ने ये बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हमने समझा कहाँ है, हमारी आदत है आंखें बंद करके जीने की। आज हिंदू धर्म के ऊपर कितने आक्रमण हो रहे हैं, संसद में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, पागल से पागल आदमी हिंदुओं को हिंसक कह रहा है, सनातनियों को हिंसक कह रहा है, और हम सुने जा रहे हैं, कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हमारी चेतना कहां जागेगी? महर्षि दयानंद का उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति सुखी हो, समाज सुखी हो, भारतवर्ष सुखी हो, और कन्याकुमारी से लेकर के और जितने भी भारत के हैं अब तक भिन्न भिन्न टुकड़े हुए हैं, ये सब वापस एक हो जाएं। अगर भारत माता का पुराना स्वरूप जो महर्षि मनु ने बताया है वह स्वरूप सामने लाएंगे हम संगठित होकर के, तब तो काम बनेगा, तब तो वास्तव में आर्य समाज का जो योगदान है वो बढ़ेगा। खाली सम्मेलन कर लेने मात्र से काम नहीं होता, खाली वार्षिक उत्सव कर लिया 4-5 रोज का, खुश हो गए अपने आप में, इससे काम नहीं है। एक बड़े अच्छे नेतृत्व को प्राप्त करके उस नेतृत्व के अंतर्गत चलने की आवश्यकता है। अब बस बात वही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो बांधे, चले तो चले। मोहन भाई मैं तो घर में ही ठीक हूं,
मैं तो अपने जिंदगी में जैसा जी रहा हूं संतुष्ट हूं। इसे संतुष्टि नहीं, इसे आत्महनन कहते हैं। ये संतुष्टि नहीं है इस तरह की। अगर हम अपने राष्ट्र के प्रति जागृत नहीं है तो राष्ट्र हनन कर रहे हैं, अपनी आत्मा के प्रति नहीं जाग रहे हैं तो आत्महनन कर रहे हैं, वाणी के प्रयोग के बारे में नहीं जान रहे हैं तो वाक हनन कर रहे हैं, समाज के प्रति नहीं जाग रहे हैं तो समाज का हनन कर रहे हैं। और ये हम समाज हंता राष्ट्र हंता बन गए तो हम ही अपने राष्ट्र के द्रोह में लग जाएंगे। आज आवश्यकता है जागने की और जगाने की। वेद का नियम कहता है, सूत्र कहता है, वयम राष्ट्रे जागरियामा पुरोहिता। हम सब एक नहीं, वयम जैसे वयम श्याम पतियोरे नाम करते हैं ना, ये भगवान धनेश्वरियों के स्वामी हो जाए बस, तो पैसा लेकर के भी कहा करोगे भगवान इसलिए देता भी कम कम ही है, उन्हें पता है तुम कुछ करने वाले, इससे राष्ट्र का उत्थान कुछ करने वाले नहीं हो, लो खाओ पियो जियो बस इतना बहुत तुम्हारे। वेद के महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में मनुष्य के जीवन के दो ही उद्देश्य बताए बस। पहला उद्देश्य वो बताते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करके ब्रह्म वेद्या प्राप्त करके ब्रह्म वेत्ता बनना, ये मनुष्य का पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य है चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करना। सब दिशाओं में वैदिक साम्राज्य वैदिक विचारधारा फैले उसका प्रयास करना, यह दूसरा उद्देश्य है। तो हम या तो पहले उद्देश्य की तरफ जाते हैं तो वैरागी बन जाएंगे खाली, लेकिन लाल कपड़े भी पहनेंगे तो लाल कपड़े भी उसका महत्व इतना नहीं है। आज के युग में नास्तिक लोग अधिक हैं, आस्तिक कम है, तो वो सन्यासियों की, विद्वानों की, धर्मात्माओं की, परोपकारियों की, इनकी ज्यादा परवाह भी नहीं करते। स्वामी दयानंद की परवाह नहीं करी, हमारे जैसे लोगों की तो बात छोड़ दो। स्वामी दयानंद को जहर दिलवा दिया एक आदमी साथ में नहीं कि हाँ जी डॉक्टर भी मिले लक्ष्मण दास करके, वो ठीक कर सकते थे, वो भी नहीं रुक पाए ज्यादा देर स्वामी जी के साथ, उन्हें भी अपनी गृहस्थी संभाल लेती। कितने बड़े बड़े विद्वान, स्वामी शरदानंद को एक मूर्ख आदमी अब्दुल रशीद आकर के गोली मार गया। बताइए वो पानी का देखते हुए नाटिका, पानी का गिलास मंगाया वो पानी देने चला गया, वो गोली मार के भाग गया। लेख राम महर्षि ने का जीवन ले रहे उनके पेट में किसी ने चाकू मार दिया। तो हम रक्षा करते रहे विद्वानों की, धर्मात्माओं की, साधुओं की, सन्यासियों की, और हम चाहते हैं कि हमारा वैदिक नाद सब चल जाए। ऐसा नहीं होता, फटना पड़ता है, ज्ञान से प्रस्फुटित होना पड़ता है, ज्वालामुखी बनना पड़ता है, तभी जाकर के धधकते हुए अंगारों को देखकर ही दुनिया की आंखें चकाचौंध होती हैं, चिंगारियों को कोई नहीं देखता। तो हमें चाहिए हम रक्षक बने, ओम सबका रक्षक है, उससे शक्ति प्राप्त करें, अपने माता पिता की रक्षा करते हैं परिवार में, अपने भाई बहनों की रक्षा करते परिवार में, उन्हें बुराइयों से बचाने, अपने बच्चों को शराब पीने से, मांस खाने से, बुराइयों की तरफ जाने से, व्यभिचार करने से, इन बुराइयों से बचाने तो भी बहुत बड़ी रक्षा हो जाएगी देश की और धर्म की। लेकिन हम बस अमेरिका पहुंच गया वही परिवार का, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, इंग्लैंड पहुंच गया, कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए, बस कुछ भी नहीं है, सारा भोग जीवन है, भोग भोगे रोग भयम, उसके बाद भोग है वहां पर, वो भोगवाद ही सबसे अच्छा है समझते हैं बस, उनकी जो वहां जाएगा फिर उसकी फिलोसफी उसके माइंड में भर जाएगी कि भाई भोगना है बस, जैसे ये भोग रहे हैं भोगे पर तो कुछ। तो हमें चाहिए हम योग सीखें, धर्म की बात सीखें, ज्ञान की बात सीखें, आत्मा की बात सीखें, परमात्मा की बात सीखें, वेद की बात सीखें और दूसरों को सिखाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय अंकल जी को बोलूंगी धन्यवाद के दो शब्द बोलूंगी।
नीतिकार कहता है वित्तम च नृपत्वम च नैव तुल्यं कदाचनः स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान के हर जगह पूजा होती है जबकि राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है। ऐसे ही विद्वान जो वेदों का प्रचार केवल भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में यूरोप में अमेरिका में करते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हम आज वो हमारे जो तो विराजमान हैं डॉक्टर कपिल देव जी, मैं आर्य समाज नगर की ओर से मान पान के फूल भाव के श्रद्धा के फल और अनुरागों के अक्षत लेकर के आपका अभिनंदन करता हूँ। प्रारंभ में ही आपने जो प्राचीन वैदिक वाङ्मय था उसकी और आज के समाज की तुलना की कि आज वास्तव में भौतिकवादी जो जीवन है जो पद्धति है वो ये चाहती है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत, कि हम हमारा एकमात्र उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है। लेकिन बड़े सुंदर शब्दों में आपने वैदिक वाङ्मय को लेकर के बताया कि भाई वास्तविक सुख अगर प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करो, तो उन्होंने शिक्षा का माध्यम लेकर के अपनी बात को प्रारंभ किया और वहाँ पर हमारा नीतिकार जो है वो कहता है कि सुख प्राप्त करना है तब क्या करो, तब वो कहता है बच्चों से विद्यार्थियों से कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो जो अभिवादनशील बनोगे नित्य बड़ों की सेवा करोगे तो तुम्हारी आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश कीर्ति बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। जब ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो आप स्वतः ही जो है वो सुख को प्राप्त कर सकोगे, वास्तविक सुख अपने भौतिक जीवन के अंदर भी प्राप्त कर सकोगे। बड़े सुंदर शब्दों में आपने वैदिक संस्कृति का इतिहास देते हुए कि किस प्रकार से वेदों के युग से लेकर के हम उपनिषदों तक आए, उसके बाद दर्शनों तक आए और छोटे छोटे सूत्र हमको दिए कि हम अपने जीवन का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। एक चीज आपने दी थी केवल वाणी के विषय में कहा, मैं आपसे निवेदन करूं जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, हम देव यज्ञ करते हैं, हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं, तब जब हम स्पर्श करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले वाक वाक कहते हैं और वाणी के बारे में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उसी बात को आपने बड़े सुंदर शब्दों के अंदर कहा। वास्तव में वाणी का सबसे ज्यादा महत्व है, इसीलिए तो हमारे अनुष्ठान में सबसे पहले वाणी की बात कही जाती है। पौराणिक एक कथानक है कि एक बार मन और वाणी के अंदर लड़ाई हो गई। मन ने कहा मैं बड़ा हूँ, वाणी ने कहा मैं बड़ी हूँ। दोनों में कभी चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, अपनी अपनी बात रखी। तब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं नहीं बताता, आप आगे जाओ। तो सरस्वती के पास पहुंच गए, सरस्वती से कहा तो सरस्वती ने कह दिया मन श्रेष्ठम मन श्रेष्ठम मन श्रेष्ठम न संशया, केवल वास्तव में मन श्रेष्ठ है। जब तीन बार ये बात कही तो वाणी जो है बड़ी दुखी हुई, चलने लगी तो सरस्वती ने बुला करके कहा कि सुनो पूरा वाक्य सुनते जाओ, मन श्रेष्ठम मन श्रेष्ठम मन श्रेष्ठम न संशया वाक दु साक्षात सरस्वती, वाणी तो साक्षात सरस्वती है। बड़ा सुंदर वेद मंत्र को उद्धृत करते हुए आपने वाणी के महत्व को जो है हमारे सामने समझाया। फिर आज की आवश्यकता व्यष्टि से समष्टि की ओर चलते हुए अपना निर्माण करते हुए, और इसी
इसीलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में स्पष्ट रूप से लिखा कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, वरन सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपनी उन्नति नहीं बल्कि सबकी उन्नति हो। तो आर्य समाज के जो नियम है वो व्यक्ति से समष्टि की ओर हमारा जो है मार्गदर्शन करते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं बड़े सुंदर शब्दों में कि आज की क्या आवश्यकता है और उस आवश्यकता को किस प्रकार से संगठन के द्वारा जो है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और संगठन के लिए पहले स्वयं का निर्माण आवश्यक है। ये तभी हो सकता है जब हम ईश्वर से प्रार्थना करें ओम या आत्मदा वरदा यस्य विष्णु तो उपासते। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर शब्दों में बड़ी सुंदर श्रृंखला के अंदर आपने हम सबका बच्चे से लेकर के और वृद्ध तक का सबका जो है मार्ग प्रशस्त किया, उसके लिए हम बहुत अधिक आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।